हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब सही हो। तो आज मैं इस वीडियो में फिर से जा रहा हूँ एक जगह, वो है आपका जामा मस्जिद चोर बाजार। तो वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या कैसा है। हालांकि मैंने वीडियो देखा था कहीं सारा कि चोर बाजार में काफ़ी सस्ते से अच्छे चीज़ मिलते हैं दिल्ली के, तो जूते वूते वो भी मिल जाते हैं वहाँ पे सस्ते में, नाइकी एडिडास वहाँ के ब्रांडेड के। तो उसी को देखने के लिए मैं जा रहा था वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं खुद भी आप लोग को दिखाना चाहता था कि क्या कैसा है। तो उसी लिए वीडियो में बनी रही। हालांकि ये जो चोर बाजार है सिर्फ संडे को ही पड़ता है जामा मस्जिद के पास, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बोलेंगे तो आपका हाँ जामा मस्जिद ही पड़ेगा। तो आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वहाँ पे जाके आप वहीं से चोर बाजार जा सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको मैं रियलिटी बताता हूँ कि वहाँ पे कैसा है। मैं खुद जाके वहाँ पे देखा हूँ तो आपको भी बताता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आशा करता हूँ आप सब ठीक है, और मैं फिर से आ चुका हूँ यहाँ पे एक और एक प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। ये है आपका दिल्ली का चोर बाजार जो कि जामा मस्जिद के पास है। तो दिखाता हूँ वीडियो के आगे में, बने रहिएगा वीडियो के अंदर। भाई ये दिखाना, भाई ये कैसे कर गया? यहाँ पे ये जूता का दाम वो दुकान वाला भैया ने 3500 कहा, लेकिन जो कहते हैं उसमें नहीं लेना है गाइस, वो लोग निगोशिएट करते हैं, बार्गेनिंग करना चाहिए। ये आगे से टैग लगा के देते, कंपनी से आता है ना ये पूमा का, तो टैग लगा के देते दोनों में, पंच होता ही है। तो गाइस ये जो जूते देख रहे हैं ये सब रास्ते में पड़ा रहता है, वो लोग बेचते हैं। तो अगर रास्ते से छोड़ कर आप अगर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं पैंट यहाँ पे 200 रुपये करके स्टार्टिंग है। उसके बाद आप और अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सॉक्स का पेयर मिलता है, उसके बाद कोई गिटार बिक्री कर रहा होता है। लेकिन उस समय मेरे को क्या हुआ, बारिश पड़ गया वहाँ पर, जिसके वजह से मेरे को एक जगह रुकना पड़ा। हालांकि बारिश थमने के बाद मैं फिर से अंदर गया और आपके लिए वहाँ पे एक्सप्लोर। अंदर और जूते रखे हुए थे रास्ते में ही, आप देख सकते हैं ये वाला एसिक्स का है, एडिडास है, नाइकी है, ये सब कॉपी नहीं कह सकते, ये सब ओरिजिनल है। बस ये है मतलब यूज ज़्यादातर यूज्ड वन रहता है, ये कोई नया नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नया दिख रहा है, कंडीशन के ऊपर रहता है कि कितना वो लोग बोलते हैं और आप कितना भी देना चाहते हैं, कंडीशन के ऊपर रहता है। और कोई चीज़ यहाँ पे न्यू नहीं रहता है मेरे हिसाब से, अगर न्यू रहता है भी है तो वो आपका जो दूसरा जूता रहता है वो सब न्यू रहता है, बाकी सब आपका ये सेकेंड हैंड कह सकते हैं आप, लगाया हुआ सीज रहता है, कोई मैला रहता है, कोई थोड़ा सा साफ रहता है, लेकिन वो लोग वही सब चीज़ें बेचते हैं। हालांकि आपको नया भी मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है यहाँ पे कौन क्या सा बेच रहा है, उसके ऊपर ही आपको ढूंढना पड़ता है। जैसे कि मैं ढूंढ रहा था वहाँ पे, अच्छे अच्छे सूट भी मिलते हैं यहाँ पे, नाइकी के बड़े बड़े महंगे महंगे जूते मिलते हैं रिजनेबल कॉस्ट में, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये तो पूरा स्लीप खा जाओ।
देना पैड लिखना पैड लिखना कैसे करके भैया? हाँ, 5,000 रुपये फीस। सारे सब वर्किंग है क्या? कौन से डील? डील ऐसे I3 I4 I5 I7 I3 I3 है ना, पैर को क्या करो? सीपीयू मिल जा रहा है। तो गाइस आप जैसे अंदर जाएंगे तो कैमरा, अल्ट्रा वॉच, ये सब जो स्मार्ट वॉच हो गए, ये सब ना आपको वहाँ पे कूड़े के भाव में मिलेंगे, समझे। और जो आपका ईयरबड होता है, ये सब भी आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं हेडफोन, पुराने हेडफोन्स, उसके बाद ईयरबड्स, TWS जो ईयरबड्स होते हैं, वो सब भी अच्छे अच्छे ब्रांड के रखे हुए हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे 700 से 600 से 900 हज़ार के अंदर में। और ये विंटर का स्वेट जैकेट है, आप इसको लगा के रनिंग करने जा सकते हैं। और ये जो एक्शन कैमरा है आपको काफ़ी सस्ते दामों में सिर्फ 2,000 में मिल जाएंगे, वो भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये सब ले लीजिए बोलकर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सब चीप तो हैं, साथ में इसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा नहीं रहता है। हालांकि आप ले सकते हैं अगर ब्रांडेड लेना चाहेंगे, थोड़ा अच्छा जो रेप्यूटेड ब्रांड है वो सब का आप ले सकते हैं, मैं ये सब आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। और आप देख सकते हैं नल वल भी है यहाँ पे, हार्डवेयर का भी सामान है रखे हुए हैं। और ये वाला वेब गैस, ये जो आप टीवी देख रहे हैं ये सिर्फ आप 7,000 में ले जा सकते हैं। 38-48 इंच का टीवी था, ये सब टाइम टाइम पर रखा हुआ है। टीवी हालांकि बहुत सारे थे, हम से बीच रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टैब, चल वर्किंग कंडीशन में टैब था, लैपटॉप था वहाँ पे ये बंदे के पास। और हाँ, यहाँ पे वॉचेस देख सकते हैं काफ़ी सस्ते सस्ते दाम में, 50 से 100 रुपये जो अंदर में मिल जाएगा। और आपको पता ही है आई वॉच आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाता है। लेकिन हालांकि ये सब फेक होते हैं, डुप्लीकेट रहते हैं। तो ये बंदा जो था सोनी का हैंड कैम बेच रहा था, ये हैंड कैम का आपका ये दाम बोल रहा था 2,000 रुपये हैंड कैम। काफ़ी पुराना वर्जन है लेकिन इसका दाम आपको 2,000 रुपये बता रहा था, वर्किंग कंडीशन में था। और तो गाइज यहाँ पे ना स्कैम भी होता है, हमारे साथ स्कैम हो गया था। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं तो साड़ी बिक्री करने आते हैं, कुर्ती बिक्री करने आते हैं, फिर प्लास्टिक में, वाइट प्लास्टिक में बांध कर वो लोग जल्दी जल्दी बिक्री कर देते हैं और बोलते हैं कि ये वाला चोरी का माल है ये। लेकिन आपको ये सब नहीं लेना है, क्योंकि ये जब आप खोलेंगे इसके अंदर सब फटा हुआ कपड़ा मिलता है आपको, ये वाला
स्कैम करके चला जाता है, तो आपको इसमें भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि स्कैमर वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। और यहाँ पे मिल रहा था आपका जो ट्रैकिंग का पैंट रहता है और कार्गो पैंट, ये सब यहाँ पे मिल रहा था काफ़ी सस्ता में, सिर्फ 250 रुपये में, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का था। सो गाइस, मेरा आज का वीडियो चौबार यहीं तक था, और आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। हालांकि मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ जो भी मिलता है आपको सोच समझ के और देख परख के ही लेना चाहिए चोर बाजार से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं फेक मिलते हैं और डुप्लीकेट भी मिलते हैं। और आपको अपना फ़ोन भी सावधान से रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो पॉकेट टिकर रहते हैं बहुत सारे रहते हैं, आपके कब लेके जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और चोर चोरी करके चला जा चुका होता है। तो आपको यही सब दिखाना था, शुक्रिया, और आपको मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।